नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के F-16 और दोस्तों भारत में मौजूद तेजस मार्क 2 के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों के कंपेयर से जानेंगे कि इस देश का फाइटर जेट सबसे ज्यादा घातक वर्ष साबित हुआ है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों दोनों फाइटर जेटों की जनरेशन की, तो दोस्तों जहां पर F-16 फोर्थ जनरेशन वाला फाइटर जेट बताया जाता है, वही मैं बात करूं तेजस मार्क 2 की, तो दोस्तों यह 4.5 जनरेशन वाला फाइटर जेट बताया गया है। बात करें दोनों फाइटर जेटों की लंबाई के विषय में, तो दोस्तों जहां पर F-16 की लंबाई 15.6 मीटर तक बताई जाती है, वही मैं बात करूं तेजस मार्क 2 की लंबाई के विषय में, तो दोस्तों इसकी लंबाई 14.6 मीटर तक बताई गई है। बात करें दोनों देशों के फाइटर जेटों की ऊंचाई के विषय में, तो दोस्तों जहां पर F-16 की ऊंचाई 4.9 मीटर तक बताई जाती है, वही मैं बात करूं तेजस मार्क 2 की ऊंचाई के विषय में, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 4.8 मीटर तक बताई गई है। बात करें विंग स्पैन की, तो दोस्तों जहां पर F-16 की विंग स्पेन 9.9 मीटर तक बताई गई, वहीं मैं बात करूं तेजस मार्ग 2 की विंग स्पेन के विषय में, तो दोस्तों इसकी विंग स्पेन 8.5 मीटर तक बताई गई। बात करें एम्पटी वेट की, तो दोस्तों जहां पर F-16 का एम्पटी वेट 8,570 किलोग्राम तक बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं तेजस मार्ग 2 के एम्पटी वेट के विषय में, तो दोस्तों इसका एम्पटी वेट 7,850 किलोग्राम तक बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रॉस वेट की, तो दोस्तों जहां पर F-16 का ग्रॉस वेट 12,000 किलोग्राम तक बताया जाता है, वहीं मैं बात करूं तेजस मार्ग 2 के ग्रॉस वेट के विषय में, तो दोस्तों इसका ग्रॉस वेट 11,300 किलोग्राम तक बताया गया है। बात करें टेक ऑफ वेट की, तो दोस्तों जहां पर F-16 का टेक ऑफ वेट 19,180 किलोग्राम तक बताया गया है, वहीं मैं बात करूं तेजस मार्क 2 के टेक ऑफ वेट के विषय में, तो दोस्तों इसका टेक ऑफ वेट 17,500 किलोग्राम तक बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्यूल कैपेसिटी के विषय में, तो दोस्तों जहां पर F-16 की फ्यूल कैपेसिटी 3,200 किलोग्राम तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तेजस मार्क 2 की कैपेसिटी के विषय में, तो दोस्तों इसकी फ्यूल कैपेसिटी 3,400 किलोग्राम तक बताई जाती है। बात करें इंजन की, तो दोस्तों जहां पर F-16 में एक जनरल इलेक्ट्रिक F110 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया है, जो कि दोस्तों 75 से 130 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करता है, वहीं मैं बात करूं तेजस मार्क 2 में लगने वाले इंजन के विषय में, तो दोस्तों इसमें वन जनरल इलेक्ट्रिक F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया है, जो कि दोस्तों 98 से 120 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करने में सक्षम बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों जेटों के परफॉर्मेंस के विषय में, तो दोस्तों जहां पर F-16 की मैक्सिमम स्पीड 2 मैक तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं दोस्तों तेजस मार्क 2 की स्पीड के विषय में, तो दोस्तों इसकी स्पीड 1.8 मैक तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कॉम्बैक्ट रेंज की, तो दोस्तों जहां पर F-16 की कॉम्बैक्ट रेंज 550 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं तेजस मार्क 2 की कॉम्बैक्ट रेंज के विषय में, तो दोस्तों इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1,500 किलोग्राम तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं सर्विस सेलिंग की, तो दोस्तों जहां पर F-16 की सर्विस सेलिंग 17,000 मीटर तक बताई जाती है, वही मैं बात करूं तेजस मार्क 2 की सर्विस सेलिंग के विषय में, तो दोस्तों इसकी सर्विस सेलिंग 17,300 मीटर तक बताई गई। अब दोस्तों बात करते हैं रेट ऑफ क्लाइंब की, तो दोस्तों जहां पर F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब 256 मीटर पर सेकंड बताया जाता है, वही मैं बात करूं तेजस मार्क 2 के रेट ऑफ क्लाइंब के विषय में, तो दोस्तों इसका रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकंड बताया गया है। बात करें कि दोनों फाइटर जेट अपने साथ कितने किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है, तो दोस्तों जहां पर F-16 अपने साथ 7,700 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम बताया गया है, वही मैं बात करूं तेजस मार्क 2 के पेलोड क्षमता के विषय में, तो दोस्तों यह अपने साथ 6,500 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम बताया गया है। बात करें हार्ड पॉइंट की, तो दोस्तों जहां पर F-16 में 11 हार्ड पॉइंट्स बताए गए हैं, वहीं मैं बात करूं तेजस मार्क 2 के हार्ड पॉइंट्स के विषय में, तो दोस्तों इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स बताए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फाइटर जेटों के आर्मामेंट के विषय में, तो दोस्तों जहां पर F-16 अपने साथ एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और दोस्तों अन्य कई प्रकार की मिसाइलें ले जाने में सक्षम बताई गई, वहीं मैं दोस्तों बात करूं तेजस मार्क 2 अपने साथ कितने प्रकार की मिसाइलें ले जाने में सक्षम है, तो दोस्तों यह अपने साथ कई प्रकार की मिसाइलें, यानी कि दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल और दोस्तों अन्य प्रकार की भी मिसाइलें ले जाने में सक्षम बताया गया। सो गाइस ये तो ही दोनों देशों के फाइटर जेटों के कंपेयर, लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही चलते चलते अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय।